नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 संस्कृत का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट वन है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, पूषण। अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25, जिसे कहा जाता है 5। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, हिरणमय पात्र से, हिरणमय पात्र से। तो अगले क्वेश्चन की ओर। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम विद्यते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा हमेतम पुरुषम महंतम विद्यते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्वेता श्वेतरोपनिषद से, श्वेता श्वेतरोपनिषद से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, उपनिषद से। अगले क्वेश्चन की ओर। अनोर नियान महतो महिमान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर नियान महतो महिमान मानमन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। अगले क्वेश्चन की ओर। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, समुद्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। अगले क्वेश्चन की ओर। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमात्मा। परमात्मा जो कि ये 2019 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप ए में। अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवलोक। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यवान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? विद्यवान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, परमात्मा। अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्य मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर। हिरण यन
हिरण्ययेन पात्रेन सत्य धर्मय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? हिरण्ययेन पात्रेन सत्य धर्मय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दर्शन शास्त्र। अगले क्वेश्चन की ओर। किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, परमात्मा। अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सत्य। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सत्य। अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, समुद्र में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सत्य। अगले क्वेश्चन की ओर। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सत्य का। अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पद्यात्मक, पद्यात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड का मुख किससे ढका है? ब्रह्मांड का मुख किससे ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सोने से। अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दर्शन का। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन जय को प्राप्त नहीं करता है? कौन जय को प्राप्त नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का 1, असत्य। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नदियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर। साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु को। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हिरण्ययेन पात्र को, हिरण्ययेन पात्र को। अगले क्वेश्चन की ओर। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नाम। अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वेदव्यास। अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वेदव्यास। अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है?
तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके वश में नहीं किया जा सकता है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आत्मा। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, परमात्मा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, तो अगले प्रश्न मतलब पाठ 2 का लेके आएंगे कल।